Good morning, friends. Today we shall talk about some important poets and the symbols which they employ in their poems. So begin with S.T. Coleridge. Samuel Taylor Coleridge ने अपनी poem The Nightingale में nightingale symbol को apply किया है. Samuel Taylor Coleridge का life duration जो है from 1772 अप टू 1834 है. नेक्स्ट इज पी बी शैली का लाइफ स्पेन फ्रॉम 1792 टू 1822 है. अपनी पुस्तक टू अ स्काई लार्क में उन्होंने स्काई लार्क सिंबल को यूज़ किया है. नेक्स्ट इज जॉन कीट ने अपनी पोएम ओड टू अ नाइटिंगल में नाइटिंगल सिंबल यूज़ किया है. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग फ्रॉम 1806 टू 1861 इन्होंने अपनी पोएम पैराफ्रेजेस ऑन एनाक्रियन ओड टू द शैलो में सोयलो सिंबल को यूज़ किया है. नेक्स्ट इज एडगर एलन पो. हिज लाइफ स्पैन इज़ फ्रॉम 1801 टू 1849. अपनी पोएम द रावन में इन्होंने रेबन सिंबल को यूज़ किया है. द नेक्स्ट पोएट इज़ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. हिज लाइफ स्पैन इज़ फ्रॉम 1809 टू 1892. इन्होंने द ईगल अ फ्रेगमेंट में ईगल सिंबल को यूज़ किया है. नेक्स्ट इज वॉल्ट व्हिटमैन फ्रॉम 1819 अप टू 1892. इन्होंने द डेलियंस ऑफ द ईगल्स में ईगल सिंबल को यूज़ किया. सो रिमेंबर टेनिसन एंड विटमन बोथ एम्प्लॉयज ईगल. नेक्स्ट इज थॉमस हार्डी फ्रॉम 1840 टू 1928. इन्होंने अपनी पोएम द डार्कलिंग थ्रश में थ्रश नामक एक बर्ड को सिंबल के रूप में प्रयोग किया है. नेक्स्ट इज आर जेराल्ड मैनली हॉपकिंस फ्रॉम 1844 टू 1889. उडलार्क सिंबल को यूज़ किया है. जेम हॉपकिंस की नेक्स्ट पोएम है द विंडोवर में इन्होंने फाल्कन का सिंबल यूज़ किया है. नेक्स्ट इज टेड ह्यूज़ ने हॉक रोस्टिंग में हॉक सिंबल को यूज़ किया है.